हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 क्या है, या फिर आप कह सकते हो ट्रिपल तलाक एक्ट 2019 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ने भी अपनी असेंट जो है दे दिया है इस ट्रिपल तलाक बिल को, या फिर आप कह सकते हो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 को। तो इस तरीके से अब ये बिल ना रह के एक्ट बन चुका है। तो इसके कुछ खास प्रोविजन है, उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है, वो ये है कि अब इस बिल के माफ़ करना, इस एक्ट के तहत तलाक-ए-बिद्दत को अब एक क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाएगा, और इसके लिए अब इनको 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि तलाक-ए-बिद्दत है क्या और इसके लिए क्यों 3 साल की सज़ा का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि ये जो आपका एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिवली यहाँ पे लागू होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ये पीछे के टाइम में जाके एप्लीकेबल होगा। तो कब एप्लीकेबल होगा? ये सितंबर 19, 2018 से एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन ने सितंबर 19, 2018 को अगर तलाक-ए-बिद्दत का इस्तेमाल किया था, तो उस पर्सन को भी अब इस लॉ के तहत सज़ा दी जाएगी, और उसको भी 3 साल की सज़ा दी जा सकती है। आपने याद रखना, ये रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है। अब एक और ख़ास प्रावधान जो है इस एक्ट का, वो ये है कि तलाक-ए-बिद्दत ही नहीं, अगर इस तरीके के दूसरे भी अगर फॉर्म हैं जिसमें कि सिर्फ बोल के ही तलाक दे दिया जाता है, तो उसको भी अब यहाँ पे क्रिमिनलाइज किया गया है। आपने याद रखना है। अब इसके साथ ही जो हमने एक ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट किया था फरवरी 21, 2019 को तलाक-ए-बिद्दत को क्रिमिनलाइज करने के लिए, अब उसको हटा दिया गया, उसको रिप्लेस अब एक्ट ने कर लिया। अब मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो अब इसके प्रोविजंस की जहाँ तक बात है, तो देखिए तलाक-ए-बिद्दत जो है, या फिर इसके तरीके के और दूसरे फॉर्म जो है, उसको क्या किया गया है, अब उसको इल्लीगल करार कर दिया गया है। ठीक है, आपने याद रखना है। तो अब ये वर्ड जो है बार बार हम देख रहे हैं कि तलाक-ए-बिद्दत, तो ये है क्या? देखिए, तलाक-ए-बिद्दत का मतलब होता है अगर कोई मुस्लिम पर्सन जो है अपनी वाइफ को एक ही सिटिंग में, मतलब कि एक बार बैठा उसने अपनी वाइफ को तलाक 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 3 बार कह दिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको तलाक-ए-बिद्दत कहते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, 3 बार अगर उसने तलाक 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 कह दिया, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि एक इंस्टेंट, मतलब कि इमीडिएट, उसी वक्त एंड इररिवोकेबल डाइवोर्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर उसने एक ही सीटिंग में बैठ के अपनी वाइफ को तलाक 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 कह दिया, तो उसका उसी वक्त इररिवोकेबल का क्या मतलब होता है? जो कि चेंज नहीं होगा, ठीक है, डाइवोर्स हो जाएगा। तो मतलब कि सिर्फ कहने मात्र से ही यहाँ पर डाइवोर्स हो जाता था, उसको तलाक-ए-बिद्दत कहा जाता था। तो अब इसी को बैन करने की बात की जा रही है, और इसको बैन अब कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। तो आखिर इसको हमें बैन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको बैन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलते थे। देखिए, सामने बैठ के अगर बोल दे वो तो बात चलो समझ आती है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि पिछले कई सालों में ये बातें नोटिस करी गई कि तलाक जो देने का जो मेथड है वो काफ़ी चेंज हो गया था। लोगों ने इनफैक्ट जो मुस्लिम मेंस हैं, इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने तलाक देने का कुछ नया ही मेथड अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पे इन्होंने अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 लिख दिया, इंस्टाग्राम पे लिख दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया। इस तरीके से तलाक देने मतलब कि शुरू हो चुके थे। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे मुस्लिम विमेन जो है उसके राइट्स का क्या हनन नहीं हो रहा है? सिर्फ आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया और वहीं से तलाक हो जाता है, तो ये अपने आप में बहुत गलत है। ये इनजस्टिस हो रहा था मुस्लिम विमेंस के साथ में। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, तलाक का फॉर्म कोई भी हो, चाहे आप मुस्लिम विमेन के सामने बैठ के तलाक तलाक बोल रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके आप तलाक का देने का इस्तेमाल कर रहे हो, इन सभी फॉर्म को यहाँ पे इल्लीगल घोषित कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। आपने याद रखना है, और इसके लिए 3 साल के सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे खास बात ये है इस एक्ट का कि इस ऑफेंस को कॉग्निजिबल ऑफेंस कहा जा रहा है। तो ये कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है? इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे तलाक-ए-बिद्दत का कोई इंस्टेंस आपको देखने को मिलता है, तो उस केस में क्या होगा कि उस पर्सन को विदाउट एनी वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तलाक-ए-बिद्दत उस केस में ही कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा जब इसकी इन्फॉर्मेशन, तलाक की इन्फॉर्मेशन खुद वो औरत दे जिसको कि तलाक दिया गया है इस तरीके से, या फिर उसका कोई ब्लड रिलेटेड हो, या फिर मैरिज होने के बाद उसके जो रिलेशंस बनते हैं नए,
वहाँ के लोग ने अगर जाके पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है तो उस केस में ही सिर्फ इसको कग्निजिबल ऑफेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम वुमेन को उसके हस्बैंड ने तलाक बिद्दत के थ्रू तलाक दे दिया और इसका जो इन्फॉर्मेशन है गांव का कोई बंदा जाके कर रहा है, तो इस केस में ये ऑफेंस जो है इसको कग्निजिबल ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। और ये बिल्कुल सही भी है, नहीं तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर एक बार उस बंदे को पकड़ लिया गया जिसने कि तलाक बिद्दत करने की कोशिश की है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उसको बेल जो है वो भी दिया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट उनको बेल दे सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स है इसको बेल दे देना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेल भी तभी दिया जाएगा जब वहाँ पे वो विमेन भी हाजिर हो, ठीक है, उसके मौजूदगी में ही ये सब कुछ होगा, उसके मौजूदगी में वहाँ पे बात की जाएगी। अगर फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हमें इसको बेल दे देनी चाहिए तभी बेल दिया जाएगा, अदरवाइज बेल नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और खास प्रावधान जो इस एक्ट के तहत किया गया है वो है कि ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेड भी हो सकता है। कंपाउंडेड का क्या मतलब हुआ? कंपाउंडेड का मतलब ये हुआ कि अगर मियाँ बीवी को ऐसा लगता है कि हमें इस पूरे कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचना चाहिए, हमें जेल के चक्कर से बचना है, हमने इस लीगल प्रोसीडिंग से इनफैक्ट हमने बचना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि इस पूरे प्रोसीजर को, लीगल प्रोसीजिंग जो चल रहा है, इन सभी को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कंपाउंडेड कहा जाता है। तो इस ऑफेंस को कंपाउंडेड भी किया जा सकता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन इसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिसाइड करी जाएगी वो कौन करेगा? वो मैजिस्ट्रेट ही करेगा, आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउंसेस का खास प्रावधान किया गया है। देखिए, मुस्लिम विमेन को जिसको कि तलाक दिया गया है उसको ये अथॉरिटी दी गई है, उसको ये इंटाइटल किया गया है कि उसको कम से कम सब्सिस्टेंस अलाउंसेस दिया जाना चाहिए। सब्सिस्टेंस अलाउंसेस का क्या मतलब हुआ है कि वो कम से कम इतना तो उसको मॉनेटरी इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि उसका और उसके डिपेंडेंट बच्चों का गुजारा चल सके। ठीक है, आपने याद रखना है। और ये जो डिसाइड है कौन करेगा कितना अलाउंसेस उसको मिलना चाहिए, ये डिसाइड जो है ये मैजिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद बात आती है कस्टडी की, अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी किसको दी जाएगी? तो ये जो कस्टडी है विमेन को ही दी जाएगी जिसको कि तलाक दिया गया है, और किस तरीके से इस पूरे कस्टडी को गवर्न कर रहा है ये डिसाइड करने का जो हक है अगेन मैजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्ट था, कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।